अरे तौबा है माँ, मेरे तो सर में दर्द हो गया ये बेतुका कार्टून देखते देखते। रिमोट दे दो मुझे। नानू आप भी देखे ना कार्टून, बहुत मजे के। देखिएगा आगे क्या होगा। मुझे रिमोट दो, कोई जरूरत नहीं मुझे देखना कि आगे क्या होगा। दो रिमोट शान, बच्चे दे दो रिमोट नानू को। बहुत दिल चाह रहा है ना, तो जाके अपनी दादी से कहो अलग से काट के दे देंगी तुम्हें। चुप करके बैठ जाओ और टीवी देखो। भाई कोई जाके खबर तो ले पड़ेगा। मुझे यकीन है कि मेरे नानू, मुझे ये नहीं देखना। दादू कहती है बच्चे नहीं देखते। दादू कहती है ना तो उनको कहने दो, लेकिन नानू ये नहीं कहती है। तेरा दिल चाह रहा है ना खाने का, ये देख खा। और ये देख कितने मजे के गाने आ रहे हैं। शानी का तो ध्यान अब पढ़ाई में बिल्कुल है ही नहीं। दादू और अब्बा को भी लगा कि शानी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजकर वो बहुत काबिल हो जाएगा, उल्टा वो तो बहुत कामचोर हो गया। दादू सिला से होमवर्क करा लेता है। अभी भी देखो वहाँ कमरे में बैठे कार्टून देख रहे हैं। दादू पहले तो टीवी बाहर होता था, फिर भी आपकी बात मान ली जाती थी। अब तो दोनों बेशक रात तक बैठे रहे, कोई उनको कुछ नहीं कहने वाला। सिला जरा से बात मान लेती थी मेरी, लेकिन अब तो वो इतनी जिद्दी हो गई है, इतनी जिद्दी हो गई खुदा की पना। दादो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सिला को उन दोनों से दूर रखा करें, लेकिन आप उल्टा मुझे ही डांट देती थी। बेटा एक घर में रहते हैं, अब कट के तो नहीं रह सकते ना। कहाँ जा रही हो, दूध तो पी जाओ। ये लड़की भी ना। शानी तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों अंधी हो, दिखाई नहीं दे रहा, टीवी देख रहा है। चलो जाओ अपना होमवर्क करो। शानी तुम जाओ, मुझे नहीं आना। तुम्हारा कल टेस्ट भी है ना, तुमने उसकी तैयारी तो नहीं की। जाओ जाके अपना होमवर्क करो और टेस्ट की तैयारी भी करो। मुझे पूरा टेस्ट याद है। शानी तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? नानू इसे देखे ना। वाकई में ये बहुत बदतमीज है मारो, जरा इसको तमीज सिखाओ। सईद भैया ने बहुत ढील दे दी है इसको। भैया शानी तुम्हें अपन इस तरह के प्रोग्राम्स टीवी पर देखने से मना किया हुआ ना। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ हमको इखलाक से गिरे हुए प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी पर? बदतमीजी की इंतहा। तौबा तौबा अम्मा, जबान देखो सिर्फ कितनी तेज है। लगता है कि मुझे इसको तमीज सिखानी पड़ेगी। खैरो मैं बताती हूँ इसको। चल आ आ, मैं तुझे तमीज सिखाती हूँ। चल दादू, दादू क्या हुआ है? इसको तमीज सिखाएं। पहले भी इसने आप लोगों की जग हसाई करवाई है, इससे पहले कि मैं इसको तमीज सिखाऊं और पूरी दुनिया तमाशा देखे इसका। किया क्या है इसने? दादो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं बस शानी को कह रही थी कि आकर होमवर्क कर ले। अरे अरे अरे, अरे झूठ बोल रही है। पता ही ये समझ रही थी कि हम टीवी पे बेहुदा प्रोग्राम देख रहे हैं। और हाँ इससे कह देना कि अगर ये मेरे सामने आए ना तो नजरों को नीचे रखे, वरना इसको मोर मोर के ये हशर कर दूंगी कि जिंदगी भर बिस्तर पे पड़ी रहेगी। ये लावारिस नहीं है बहन, और इसको हाथ लगाने का सोचना भी मत। मेरी सोचों पे पहरा बैठाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ बीबी अब तक। काबू में रखो इसको। तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करें। मुझे मालूम है बेटा।